भाजपा लुटेरा पार्टी है। एक तरफ जहां जदयू के एनडीए में वापस जाने की चर्चा जोरों पर है, माना जा रहा है कि सब कुछ तय हो चुका है, वहीं जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने भाजपा को लुटेरा पार्टी बता दिया है। जी हां, एक तरफ जहां बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, वहीं जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। गोपाल मंडल ने अपने ही पार्टी के सांसद ललन सिंह को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। गोपाल मंडल ने कहा है कि भाजपा लुटेरी पार्टी है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर जदयू फिर से एनडीए में वापस जाती है तो भाजपा का मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेगा, क्योंकि भाजपा लुटेरी पार्टी है। उसका कभी मुख्यमंत्री बना है जो अब बनेगा? अगर मुख्यमंत्री होंगे तो नीतीश कुमार ही होंगे। वहीं अपने ही पार्टी के सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम मजबूती से नीतीश कुमार के साथ हैं, बुरे दिन से उनके साथ है। ललन सिंह को अभी राजद में कोई पसंद नहीं करेगा। ललन बाबू उन सबको जेल भिजवाने वाले हैं, उनको कोई पूछेगा क्या? राजद में श्याम रजक की क्या दुर्दशा हुई सब लोग जानते हैं। अगर ललन बाबू राजद में चले भी जाते हैं तो जदयू का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भाजपा लुटेरा पार्टी है, वो क्या बने रहेंगे? कभी बना है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री? नहीं बना है। नीतीश कुमार सर्वोपरि है, बिहार में कुछ अथी है कमी, उसको पूर्ति करने के लिए वो त्यागी है। मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए चाहते हैं वो, और क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए और क्या भाजपा के मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? आरजेडी ऑफर दे रही है बहुत विधायकों को, क्या आपको भी अगर ऑफर मिलता है आरजेडी से तो आप जाएंगे आरजेडी? ऐसा तो हम गलत नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमको अच्छा बातचीत है लालू यादव से, अच्छा बात है तेजस्वी जी, छोटा भाई हमारा है निशा भारती से बातचीत है, चाची राबड़ी से बातचीत है, घर हुआ रिश्ता है, जाते हैं बैठाते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो जहाँ तक पार्टी वाली बात है, मैं कैसे जा सकता हूँ? हमारा सदस्यता रद्द हो जाएगा। गोपाल मंडल मजबूती के साथ है नीतीश कुमार के साथ? हाँ, हम मजबूती के साथ है नीतीश कुमार के साथ। बुरे दिन से समता पार्टी का गठन हुआ है उनके साथ, जदयू में गए उनके साथ, जहां जहां गए उनके साथ, अब मजबूती के साथ है। जनता चुकी चुकी सुनिए, अच्छा काम किया नीतीश कुमार, उजरे बिहार को सजाया है, इसलिए हम जो काम करेगा उनके साथ रहेंगे। ललन बाबू को कभी राजनीति पसंद देने करेगा? ललने बाबू है, उन सबको जेल भेजवाने वाले, आरजेडी में कहां जाएगा? पूछ, कोई पूछेगा श्याम रजक का क्या दुर्दशा हुआ? सो क्या ललन बाबू है, जो चले जाएंगे तो बहुत बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा, ऐसा गलती कर भी नहीं करेंगे। बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच सह और मात का खेल जारी है। लगातार जदयू और कांग्रेस में टूट की संभावना जताई जा रही है। जदयू और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियां और कांग्रेस में टूट की खबर पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह की खबरें आ रही है उससे लग रहा है कि मुख्यमंत्री अब बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार अगर महागठबंधन से अलग भी होते हैं तो महागठबंधन की सेहत पर विशेष असर नहीं पड़ेगा। हम लोग मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस विधायक ने कांग्रेस के टूटने की खबर पर विराम लगाते हुए यह भी कहा कि बिहार में सभी कांग्रेस विधायक एकजुट हैं और सभी उनके संपर्क में हैं। साथ ही कांग्रेस विधायक ने कहा कि अगर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी जी सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं तो कांग्रेस पूरी तरह उनके साथ रहेगा। सारी बातें जब तक ये आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़कर उधर एनडीए में नहीं जाते तब तक इस पर कोई बयान देना मेरा उचित नहीं है। एक बार माननीय नीतीश कुमार चर्चाएं हैं, लेकिन एक बार जब वो चले जाएंगे उसका निश्चित तौर पर, जब उधर जाएंगे निश्चित तौर पर वो कार्यक्रम में साझा करेंगे। जब उधर चले ही गए और अश्विनी चौबे जी भी भारतीय जनता पार्टी में, वहां भी जाएंगे, लेकिन एक बार जब तक ये चले नहीं जाते इस पर मैं कोई कॉमेंट नहीं करूँगा। जो घटनाक्रम चल रहा है इस पर विश्वास हो रहा है कि इस तरह की बातें अपनी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए, कहीं ना कहीं उनका स्टैंड जानने की कोशिश करेंगे आप लोग? देखिए ऐसा है कि जो चर्चाएं हैं, जो सूचनाएं हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं कल गवर्नर के हाई टीम पार्टी में, इसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं। अगर वो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो निश्चित तौर पर हम लोग गठबंधन में, महागठबंधन लोग बचेंगे, मजबूती से बिहार और देश को एक रखने का काम करेंगे आगे। सभी इंडिया गठबंधन के लोग तो बिल्कुल, अभी देखिए सब लोग एक रहेंगे। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा विकास किया है देश में, भारत को आजाद होने के बाद से एक भी पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, इसलिए हम लोग बहुत चिंता नहीं करते। इंडिया गठबंधन 28 घटक दल हैं,
अभी क्या होता है आने दीजिए, वक्त बताएगा। अगर वो जाते हैं फिर हम लोग निर्णय लेंगे हम लोग को क्या करना है। तेजस्वी यादव, सूचना मिली मुझे इसका पता नहीं है, जहाँ तक मैं एक्स सीएलपी भी हूँ, विधायक भी हूँ, कांग्रेस का हूँ, सारे विधायक अभी पूर्णिया जा रहे हैं, रास्ते में हैं, सभी हम लोग की बैठक है, अभी एक भी विधायक कोई अंडरग्राउंड नहीं है, किसी का मोबाइल फ़ोन बंद नहीं है, जो आप लोग सब लोग चर्चा में कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेके, आज़ाद कराने में अंग्रेजों को देश से भगाया और अब बेईमानों को जो केंद्र में सरकार बैठी है उसको हटाना है 2024 में। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा पर चलेगी। जिस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की माँ लाठी खाई हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे हों, इंदिरा गांधी शहादत दी हो, राजीव गांधी ने शहादत दिया देश के लिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। बिल्कुल मीडिया में गलत प्रचार है, सभी 1900 इंटैक्ट है और गठबंधन मजबूत रहेगा। और हम लोग पता नहीं आदरणीय नीतीश कुमार कहाँ जा रहे हैं, वो तो सुनने में आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जहाँ तक बात है 1900 विधायक एक है, एक भी विधायक कहीं नहीं जा रहा। क्या महागठबंधन में जीतन रामा जी क्या आ रहे हैं, कांग्रेस से बात कर ये तो गठबंधन में जो लोग पहले तो आदरणीय नीतीश कुमार जी पहले चले जाएं, उसके बाद बातें होगी कौन आएगा नहीं आएगा। सबकी विचारधारा अपना है, जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं वो यहाँ आएंगे, लेकिन यह अभी कहना, अभी तो आदरणीय नीतीश कुमार ही जी नहीं गए हैं, चर्चाएं हैं, एक बार वो फैसला होगा उसके बाद फिर हम लोग महागठबंधन में लोग जो बचेंगे, अगर माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, मुझे खबर नहीं है इसका, चर्चाएं हैं, अगर जो बचेंगे वो लोग मिलजुल के तय करेंगे कैसे बिहार को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। सर आज जो है सुधीर राज्यपाल के पास मिलने के लिए सरकार बने, क्या उसमें आप लोग? नहीं, अभी हमको ऐसी कोई सूचना नहीं है, अगर जा रहे हैं मुझे कोई सूचना नहीं, हम लोग तो पूर्णिया के रास्ते में हैं, पूर्णिया जा रहे हैं, सभी विधायक जा रहे हैं, जब सूचना आएगा तब इस पर आप प्रकाश। सर ये कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी जो है विधायकों को लेकर जदयू में जा रहे हैं, कांग्रेस के विधायकों को लेकर? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं, एक भी बात किसी से हुई हो तो बता दीजिए, कहीं ऐसी कोई कहा तो 1900 विधायक इंटैक्ट हैं, एक साथ हैं, और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, क्योंकि अभी देश को लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, युवकों को रोजगार देना है, महंगाई रोकना है, तो हमें नहीं लगता कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक कहीं जाएगा। और जब तक जाने का सवाल उठाते हैं, कांग्रेस तो पूरे देश को मजबूती के साथ रखेगा। और कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा निकाले हैं, और हम लोग उसी कार्यक्रम में हैं। हम लोग को इससे कोई मतलब, हम लोग को देश की जनता की चिंता है, पहले भी कांग्रेस की विचारधारा रही है देश की जनता की चिंता, जात पात से ऊपर उठ के अभी भी है। इसलिए कांग्रेस पार्टियों को ऐना मत दिखाए, हम लोग मजबूती से लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और जो लोग आना चाहेंगे सेकुलर पार्टी और देश के हित में वो साथ में चलेंगे। आग्रह करेंगे इन लोगों से आने के लिए? सर जिसको देश के जनता की चिंता है, महंगाई की चिंता है, युवकों को रोजगार की चिंता है, तो उनको आना होगा। नहीं आएगा तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार दे रहे हैं, एक भी रोजगार नहीं दिए, तो जनता सब देख रही है। इसलिए जो चाहेंगे कि देश के विकास के लिए, युवकों के विकास के लिए, नौकरी के लिए, महंगाई रोकने के लिए, निश्चित तौर पर वो महागठबंधन में आएंगे और हम लोग मिलजुल के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार में सियासी हलचल के बीच जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल का बयान सामने आया है। नीतीश कुमार के NDA में जाने पर उन्होंने कहा कि वो आला कमान है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, वो जिधर जाएंगे हम लोग उधर ही जाएंगे। नीतीश कुमार अपने वजूद को बचाने के लिए NDA में जा रहे हैं क्योंकि राजद के लोग उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते थे जिनसे उनका वजूद खत्म हो रहा था। यह बात सही है कि मैंने कहा था कि नीतीश कुमार अगर BJP में जाते हैं तो उनका राजनीतिक पतन हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ जोड़ घटाव किया होगा तभी यह फैसला लिया है। देखिए भाई, हमारे आलाकमान है, पार्टी के जदयू के नेता हैं, सर्वोपरि है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे तो हम लोग तैयार है जाने के लिए।
कई लोग कयास लगा रहे हैं कि आरजेडी जो है कई जेडीयू विधायकों को तोड़ेगी, क्या ऐसा कुछ संभव है? जेडीयू विधायक बड़ा मजबूत है, उसको तोड़ना संभव नहीं है। अच्छा, यह भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार किसी भी सूरत पर भाजपा में नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार का भी यह बयान था, लेकिन अब क्या लग रहा है किस परिस्थिति में वो इस तरह से? देखिए, बात है अपना वजूद बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए लोग कुछ भी कुछ कर सकता है। वजूद नहीं बच रहा था, इनका मान सम्मान नहीं हो रहा था, इनको भद्दी भद्दियाँ गालियाँ दिया जाता था, फिर इनको मुख्यमंत्री बनना है। अभी बिहार सजने में देर है, तो बिहार को सजाना है, इसलिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। आपने ये भी कहा था कि पतन हो जाएगा नीतीश कुमार का अगर भाजपा, ये मैं बोला था सही बात, अगर भाजपा में जाएंगे नीतीश कुमार का पतन हो जाएगा। लेकिन जोर तंगर क्या होगा, जोर तंगर उन लोगों का लंबा चौड़ा है, हम तो छोटा आदमी हैं, तिनके हम तो प्रधानमंत्री के बारे में बोले, लेकिन ये भी बोले कि बहुत बड़ा आदमी है, पकड़ लीजिए बहुत बड़ा आदमी है, हाथी है हम चीटी है, फूक देगा तो हम उड़ जाएंगे। ये तो हम बोले थे, इसमें दो मत नहीं है। नीतीश जी का फैसला सही होगा, ये भाजपा में जाने का फैसला, नीतीश जी का फैसला, हम बोले ना हम छोटा लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, बड़ा दिमाग है, तो क्या फैसला लेते हैं अपना बर्बादी के ओर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो जहाँ उनको सुविधा होगी अच्छे ढंग से सरकार को चला सके वहां जा सकते हैं। क्या लगता है कांग्रेस? भागलपुर में जिला परिषद सदस्य दो खेमों में बंट गई है, जिसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जहां एक तरफ जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह के कुर्सी जाने की संभावनाएं दिख रही हैं, वहीं दूसरी ओर तकरीबन 20 जिला परिषद सदस्य आज समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन पहुंचे, जिसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आज भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में दोनों पक्षों की बातें सुनी और 20 जिला परिषद सदस्य के सशरीर हस्ताक्षर प्राप्त किए, लेकिन अभी निर्णय आना बाकी है, जिससे दोनों पक्षों में कानाफूसी जारी है। एक तरफ जहां एक गुट के नेतृत्वकर्ता के रूप में नाथनगर के मिथुन यादव दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह ने खुद कमान संभाल रखा है। जिला परिषद सदस्य मिथुन यादव ने कहा कि करोड़ों रुपए की निकासी हुई है, लेकिन कहीं भी इसका कार्य जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा। हम लोग वर्तमान अध्यक्ष टुनटुन साह के इस रवैये से काफी नाखुश है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं। वहीं इसकी सफाई देते हुए टुनटुन साह ने साफ तौर पर कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो पूर्ण रूपेण बेबुनियाद है, जमीनी स्तर पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है, हर क्षेत्र में योजना की राशि के हिसाब से कार्य प्रगति पर है। गौरतलब हो कि यह मामला उच्च न्यायालय की संज्ञान में भी जा चुका है, अब देखने वाली बात यह होगी कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, फैसला किसके पक्ष में आता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा आज भागलपुर की समाहरणालय स्थित 169 वैसे दिव्यांगों को जो 60% से ज्यादा दिव्यांग है, उन्हें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बैटरी चलित 169 रिक्शों का वितरण किया गया। कुछ दिव्यांगों को समाहरणालय में और बाकी दिव्यांगों को उनकी निजी बुनियादी केंद्र पर बैटरी चलित रिक्शा की चाबी दी गई। बैटरी चलित रिक्शा वितरण कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री योजना के तहत चलाया जा रहा है, समाज कल्याण विभाग या बैटरी चलित रिक्शा वैसे दिव्यांगों को वितरण कर रही है जो 60% से अधिक दिव्यांग है, साथ ही जो स्कूल कॉलेज और अपने काम पर जाते हैं उन्हें प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों के लिए ऐसा कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, ऐसे कार्यक्रम का उद्देश्य है दिव्यांग अपने कार्य में ससमय सुरक्षित पहुंच सके। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस बैटरी चलित रिक्शा के वितरण के बाद दिव्यांगों को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया, साथ ही सुरक्षा के लिए उन्हें हेलमेट का भी वितरण किया गया। उसके तहत बैटरी चालित रिक्शा जो दिव्यांगजन हैं, जो पढ़ाई के लिए या काम के लिए 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं और उनको पहले समस्या होती थी, तो उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके आलोक में समाज कल्याण विभाग निःशुल्क बैटरी चालित रिक्शा जो है योग्य दिव्यांग भाई बहनों को उपलब्ध कराता है। पहले भी हम लोगों ने लगभग 150 रिक्शा जो है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे उस समय भी, उसके बाद भी हम लोगों ने दिव्यांग बंधुओं में वितरित किया है और आज भी 169 बैटरी चालित रिक्शा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ से जो आसपास के थे उनको कलेक्ट्रेट बुला करके दिया गया, अन्य को जो है नज़दीक के बुनियाद केंद्र पर बुला करके उनको चाबी हैंडओवर की गई है, सबको ट्रेनिंग भी दिया गया है, हेलमेट वगैरह सब आप देख रहे हैं उनके पास है। और ये जो प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, इससे दिव्यांग भाई बंधुओं को अपने काम में, पढ़ाई में, रोजगार में
काफ़ी सुविधा होती है, उनकी मोबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और उससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो आप लोग सब लोग देख रहे थे कि सब लोग उत्साहित भी काफ़ी थे, और जो भी और बचे हुए लोग हैं जो इच्छुक लाभुक हैं, पात्रता रखते हैं, उनसे मेरी अपील होगी कि आप लोग ब्लॉक में या जिला में आवेदन दीजिए, उसको ससमय हम लोग स्वीकृत करा करके अन्य दिव्यांग भाई बहनों को भी हम लोग बैटरी चालित रिक्शा जो पढ़ाई के लिए और काम के लिए 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाते हैं, कैटेगरी उसमें बनी हुई है, 60% से ज़्यादा दिव्यांगता होनी चाहिए। मेरी अध्यक्षता में कमेटी है, उस कमेटी से अप्रूवल करके हम लोग उपलब्ध कराते हैं। भागलपुर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां सड़कों पर हजारों हजार की संख्या में बड़ी बड़ी मछलियां सड़कों पर रेंगती नजर आई। उसे देखते ही लोग से लूटने के लिए झपट्टा मारना शुरू कर दिए। आइए आपको दिखाते हैं यह अनोखी घटना। जाइए किनारे से, जाइए, हट जाइए, हटिए उधर से, किनारे से जाइए। किनारे से निकलिए, उधर दबा के। जाइए जाइए बाएं दबा के, साइड कर दो उधर से यार। गाड़ी खड़ी है ना। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जहां एक व्यक्ति अमरन अनशन पर बैठ गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर भागलपुर जमालपुर की मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त नहीं हुई तो मैं यहीं पर जान दे दूंगा। मामला मालदा डिवीजन के भागलपुर और जमालपुर रेलवे स्टेशन का है, जहां पर इस शख्स ने साफ तौर पर कहा है कि वाणिज्य विभाग, इंजीनियरिंग विभाग और ऑपरेटिंग विभाग तीनों मिलकर जनता का शोषण करती है। उन्होंने यह भी कहा कि शौचालय में रेलवे विभाग द्वारा निःशुल्क शौचालय जाने की बात कही गई, लेकिन यहां महिलाओं से 10 रुपये करके ठेकेदार लेते हैं। कई जगहों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। यहाँ दिक्कतें यात्री वर्षों से झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर असली जामा नहीं पहनाया जा सका। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हमारी बातें रेलवे विभाग नहीं सुनती तो मैं आमरण अनशन पर बैठा हूँ, मैं यहीं पर जान दे दूंगा। मालदा मंडल के, पूर्व रेल के मालदा मंडल के भागलपुर जमालपुर दोनों स्टेशन पे सर वाणिज्य विभाग, इंजीनियरिंग विभाग और ऑपरेटिंग तीनों मिलकर जनता का शोषण करती है। प्रमाण ये है कि जैसे आप ये शौचालय देख रहे हैं, इसमें बहुत खर्च हुआ है, पर इसको सिर्फ 8 से 4 खोलने का इन्होंने विधान बनाया है, महिलाओं के लिए है। रात को ये नहीं खुलता कभी भी। ऊपर डोरमेट्री है आम जनता के लिए, उसमें कील निकला हुआ है, नीचे से रॉड सब निकला हुआ है, जिसमें लोग सोते हैं, चोट भी लगता है लोगों को, उससे कोई वास्ता नहीं। अंदर जो शौचालय है वहाँ महिलाओं से पेशाब का 10 रुपया करके चार्ज किया जाता है, जबकि निःशुल्क है। हाँ, ऑपरेटिंग में अगर शिकायत करने जाओ तो बोलते हैं कि शिकायत पुस्तिका नहीं है, या पहले जाओ उस पेशाब वाले को बुला के लाओ। इंजीनियरिंग विभाग का काम था वो वाला, ऑपरेटिंग का और इसका, तो वो बिल्कुल नहीं करते। ये डॉर्मेट्री बने हुए 10 साल हो गया, पर अभी तक जो रॉड निकला हुआ रूम में उसको ठीक नहीं कर पाए लोग, ठीक है ना। सुधार, हमारा मकसद सिर्फ सुधार है। हमने 20 दिन पहले ही आवेदन दिया हुआ है हर जगह, हाँ, जिला प्रशासन को भी, रेल मंत्रालय को भी, हाँ, पर रेल के तरफ से कोई प्रतिनिधि अभी तक बात करने के लिए नहीं आए इस संदर्भ में। जब तक इस बार समाधान ना हो जाए, आमरण अनशन पे पानी भी नहीं पीऊँगा। आज ही से बैठा हूँ, सुबह 11:30 बजे से तो मैं बैठा ही रहूँगा। जब तक पूरी ना हो तब तक बैठा रहूँगा। अभी तक कोई नहीं आया, 3 घंटे हो गए, कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आए। डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। उन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और पिछड़े वर्ग के हितों की वकालत के लिए वो जाने जाते थे। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल विभिन्न गरीब समर्थक पहलुओं द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें भूमि सुधार और वंचित को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नीतियों का कार्यान्वयन शामिल था, जिसको लेकर उन्हें यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसको लेकर आज राष्ट्रीय लोक जनता दल भागलपुर इकाई द्वारा आभार मार्च निकाला गया, में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। इस आभार मार्च यात्रा में राष्ट्रीय लोक जनता दल भागलपुर इकाई के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। उन्होंने यह आभार मार्च घंटाघर चौक से निकालकर स्टेशन चौक पर समाप्त की। राष्ट्रीय लोक जनता दल के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा को सम्मान किया गया है भारत रत्न का, उसके उपलक्ष्य में आज हम लोग आभार यात्रा निकाले हुए हैं। घंटाघर चौक से स्टेशन चौक तक हम लोग मिलकर जाएंगे और आभार व्यक्त करेंगे।